हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे पेज को ग्रेडेड कलर से कैसे कलर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, नया पेज हमारे सामने ओपन है। अब ग्रेडियंट कलर ऐड करने के लिए हमको जाना है डिजाइन टैब में। ये देखिए, यहाँ ऊपर के रिबन में हमें टैब मिलता है डिजाइन टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है पेज कलर का, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है फिल इफेक्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो फिल इफेक्ट का देखिए एक विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन ग्रेडियंट का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कलर दिखा रहा है, वन कलर, टू कलर और प्रीसेट। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वन कलर चाहिए तो ये दिखाएगा कुछ ऐसा कलर, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। मान लीजिए हम ब्लू ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर टू कलर में चाहिए, ठीक है, तो टू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कलर वन और कलर टू आप डिसाइड कर सकते हैं। तो कलर वन यहाँ पे ब्लू है, अब मान लीजिए कि कलर टू हम यहाँ से कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अलग अलग कलर्स का वेरिएशन आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग स्टाइल भी आप चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, डायगोनल चाहिए, जिस कलर में चाहिए, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बस जब आपका मतलब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो ग्रेडियंट कलर में कलर हो जाएगा। ठीक है,